मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद शाहिद है और मैं प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन और कंसल्टेंट एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हूँ। आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात कर रहे हैं वो थोड़ा सा मुनफरिद टॉपिक है, इस सेंस में कि बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि बड़ा डॉक्टर बनने के लिए किन किन मराहिल से गुजरना पड़ता है। सो ये एक मुश्किल टॉपिक है और इस पे जवाब देना भी थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन कोशिश करेंगे कि आपके इस सवाल को हम अच्छे तरीके से जवाब दें। और अगर आपको फ्यूचर में भी कोई सेहत के मुताल्लिक या इस टॉपिक से मुताल्लिक कोई क्वेरी हो तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और हम इस पे तफसील से मुख्तलिफ वीडियोस में बात भी करेंगे। सो अगर एक शख्स, एक लड़का डॉक्टर बनना चाहता है, सो उसको मैट्रिक करने के बाद प्री मेडिकल साइंस में जाना होता है और फिर इंटर करना होता है, जिसको FSC भी कहते हैं। इंटर के बाद एंट्री टेस्ट होता है और एंट्री टेस्ट में अच्छे नंबर लेने होते हैं, फिर वो मेडिकल कॉलेज में जाता है। अब मुख्तलिफ मेडिकल कॉलेजेस, मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं पाकिस्तान के अंदर, जिसके अंदर प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस भी हैं और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस भी हैं। तो डिपेंड करता है कि आपका मेरिट कहाँ है और फिर जो है आप किस मेडिकल कॉलेज में गए, लेकिन एंड ऑफ द डे आप MBBS में एडमिशन ले चुके होंगे। सो जब आप MBBS के अंदर एडमिशन ले चुके हैं, सो अब आपको जो है वो MBBS फर्स्ट ईयर में एडमिशन मिल गया, सो बहुत मुबारक हो। अब आप उस ट्रैक पे चढ़ पड़े हैं जिसमें आप अल्टीमेटली डॉक्टर बन जाएंगे, MBBS डॉक्टर। सो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फाइनल ईयर, सो एक मुस्तकिल ट्रैक है जिस पे आपने जाना है और उसमें आपने पढ़ना है, अपने क्लिनिकल्स करने हैं, अपने वार्ड राउंड्स करने हैं प्रोफेसर के साथ, असिस्टेंट एसोसिएट प्रोफेसर के साथ क्लिनिकल अटैचमेंट करनी है, और जो कामयाब डॉक्टर का ख्वाब आपके जहन में है वो उसको आपने एंड तक पहुँचाना है। सो फाइनल ईयर MBBS का रिजल्ट आ गया और आप कामयाब हो गए, बहुत बहुत मुबारक हो, हर तरफ से मुबारकबाद आ रही है। सो अब आप MBBS डॉक्टर हो गए। सो अब नेक्स्ट स्टेप है आपका हाउस जॉब का, यानी अब आप क्लिनिकल एक्सपीरियंस में आ गए। सो एक साल की आपने हाउस जॉब करनी है, हाउस जॉब में मेडिसिन सर्जरी सब स्पेशलिटी उसके अंदर आपने अपनी जो है महारत हासिल करनी है हाउस जॉब की सूरत में। सो एक साल आपने हाउस जॉब कर लिया, सो अब आप एक मुकम्मल डॉक्टर क्लिनिकल बन गए। सो लेकिन अभी आपने बड़ा डॉक्टर बनना है, सो बड़े डॉक्टर बनने के लिए आपने पोस्ट ग्रेजुएट ज़रूरी करना है। सो पोस्ट ग्रेजुएट पाकिस्तान में एक इदारा है जिसको कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड सर्जन्स ऑफ पाकिस्तान कहते हैं, यानी CPSP। सो CPSP में आपने अगर FCPS करना है तो इस इदारे से आपको मुंसलिक होना पड़ेगा पाकिस्तान में। सो FCPS के लिए आपको FCPS पार्ट वन करना है। सो इट डिपेंड्स कि आप कौन सी स्पेशलिटी लेना चाहते हैं, अगर आप मेडिसिन और उससे अलाइड स्पेशलिटी लेना चाहते हैं तो आप मेडिसिन में करेंगे, फिर आप साइकेट्री है उसमें पार्ट वन भी होता है। सो सर्जरी के अंदर अगर आपने करना है तो सर्जरी एंड अलाइड में पार्ट वन करना होगा। सो आपने पार्ट वन किया, आप पार्ट वन में कामयाब हो गए, सो अब आपने फील्ड सेलेक्ट करना है कि किस फील्ड में आपने जाना है। सो आपने जनरल मेडिसिन करना है या सब स्पेशलिटी लेनी है, तो आपके जहन में शुरू से ही बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि आपने FCPS किस चीज़ के अंदर करना है। सो आप अगर मेडिसिन के अंदर करना चाह रहे हैं जनरल मेडिसिन, और फिर जनरल मेडिसिन के आप बाद सब स्पेशलिटी कुछ हैं जो FCPS मेडिसिन के बाद होती हैं, जैसे एंडोक्राइनोलॉजी है, जैसे रूमेटोलॉजी है, जैसे इन्फेक्शियस डिजीज़ है, तो इसके अंदर आप FCPS पार्ट टू मेडिसिन करके फिर ये आप सब स्पेशलिटी ले सकते हैं। लेकिन बाकी स्पेशलिटीज़ जैसे हैं उसके अंदर आप जो है पहले FCPS पार्ट वन करने के बाद 2 साल के लिए ट्रेनिंग लेंगे, इंटरमीडिएट मॉड्यूल करेंगे और उसके बाद सब स्पेशलिटी में जाएंगे, जैसे कार्डियोलॉजी है, न्यूरोलॉजी है और बहुत सारी सब स्पेशलिटी हैं।
लास्ट ईयर जो है वो कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन ने अपना गैस्ट्रोएंटरोलॉजी को भी FCPS मेडिसिन के बाद कहा है कि हम उसमें ट्रेनिंग कर सकते हैं. तो आपने एंडोक्राइन, रूमेटोलॉजी, इन्फेक्शस डिजीज, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, ये अब सब स्पेशलिटी बन गया आपने FCPS मेडिसिन. सो आपने FCPS मेडिसिन के लिए अगर या सब FCPS सर्जरी में आप जा रहे हैं तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आपने करनी होती हैं. यानी आपने CPSP की तरफ से डिजर्टेशन या पब्लिकेशंस करनी होती हैं, पब्लिश करना होता है अपना मटेरियल, आपने वर्कशॉप्स करनी होती हैं और कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जो कॉलेज की तरफ से दी गई हैं वो आपने फुलफ़िल करनी होती हैं. आपने ये सब रिक्वायरमेंट फुलफ़िल की, आपका एक सुपरवाइज़र होगा जो कि 4-5 साल आपको ट्रेन करेगा. उस सुपरवाइज़र के अंडर आप काम करेंगे. जैसे मैं ख़ुद भी कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन्स का सुपरवाइज़र भी हूँ और एग्जामिनर भी हूँ इन द स्पेशलिटी ऑफ मेडिसिन. उसके बाद आप FCPS के एग्ज़ाम में बैठते हैं पार्ट टू में, और फिर पहले थ्योरी होती है और फिर क्लिनिकल्स होते हैं और फिर आप FCPS क्लियर हो जाते हैं. सो FCPS क्लियर होने के बाद आप जो है किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एज अ फैकल्टी हायर किए जा सकते हैं. एक तो ट्रैक FCPS का है, दूसरा ट्रैक है MD या MS का. बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में हैं अपने MD और MS की ट्रेनिंग करवाते हैं. उसके अंदर सिर्फ यूनिवर्सिटी जो है वो एग्ज़ाम लेती है, बाकी ट्रेनिंग आपको हॉस्पिटल्स में करनी होती है. क्योंकि मैं FCPS हूँ और FCPS का सुपरवाइज़र और एग्जामिनर हूँ, तो मैंने आपको FCPS के बारे में डिटेल से बात बताई. बाकी MD के लिए एग्ज़ाम, पहले एंट्री टेस्ट होता है यूनिवर्सिटी का, फिर आप एक सुपरवाइज़र चूज करते हैं और उसके अंडर काम करते हैं और फिर उनका एग्ज़ाम होता है और आप MD या MS उस स्पेशलिटी में होते हैं. पाकिस्तान में कुछ डिप्लोमास भी होते हैं जो कि जूनियर डिप्लोमास होते हैं, बिल्कुल माइनर 2 साल के डिप्लोमास होते हैं. मसलन गायनी के अंदर डिप्लोमा होता है, एनेस्थीसिया में होता है, उसके अलावा बच्चों में होता है जिसको DCHO कहते हैं. लेकिन अगर आप फैकल्टी किसी मेडिकल कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं तो आपके लिए FCPS या MD का ट्रैक एक कामयाब ट्रैक साबित हो सकता है. बाकी नेक्स्ट कुछ बातें मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा. बहुत बहुत शुक्रिया.